मैं क्या था? सुनो। हाँ जी। मेरी प्यास पानी से नहीं बुझेगी। फिर आपको पानी नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? शिकंजी, शरबत लेके आऊँ उनके लिए? ना। या फिर कोल्ड कॉफी? ना। फिर? मेरी प्यास सिर्फ तुम बुझा सकती हो। अक्षय। हाँ। क्यों नहीं बुझा सकती मेरी प्यास? आपको ऑफिस जाना, आपको लेट हो रहा होगा ना? ऑफिस तो रोज ही होता है, आज कुछ काम की है। अब वो कौन है भाई? अरे बहुत चैटर है। और तुम तो क्या, वो एक रियल बेस्ड स्टोरी है एचआईवी के ऊपर। ओके, अब ये सडनली एचआईवी का कहां से कांसेप्ट आ गया तुम्हारे दिमाग में? अरे वो रियल लाइफ स्टोरी है, उसको देखने में लाइक तुम्हें कितनी बार बोले इन डार्क थीम से दूर रहा करो, चीयरफुल मूवीज देखा करो, पॉजिटिविटी लाओ लाइफ में। कितनी बार बोला है इस चीज़ को मैंने तुम्हें। ऐसा करते हैं, मेरा फ़ोन में से हम देखते हैं और कौन सी मूवी लगे, ठीक है? सुपरमैन यार, सुपरमैन लगी हुई है, सुपरमैन देखने चलते हैं। बट मेरा मन था, वो एक रियल लाइफ स्टोरी है और हमें देखनी चाहिए। क्या आती पॉजिटिव वाली मूवी देखते मजे करेंगे? यानी कि अगर कल को मुझे एचआईवी हो गया तो? अभी बातें कहाँ की कहाँ ले जाती हो तुम। नहीं, मुझे जवाब चाहिए कि अगर कल को मुझे एचआईवी हो गया तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये दिमाग से प्लीज चीज़ें निकाल दो। क्यों निकालूं, मुझे जवाब चाहिए। बिकॉज तुम्हें तो डार्क थीम पसंद ही नहीं है, ना तुम्हें नेगेटिविटी पसंद है, ना तुम्हें मैं भी पसंद नहीं होंगी फिर कल को। तो अगर मुझे क्यों बेबी, मुझे तुम बहुत पसंद हो।
तुम्हें तो कहा था अभी अनु एक रियल बेस्ड स्टोरी है, अगर अगर हम वो देखेंगे तो उससे वो इंस्पिरेशन मिलेगी। अच्छा ठीक है हम देखने चलो। पक्का चल रहे मूवी देखना। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ फिर। क्या पहनोगे? चल मैं तुम्हें लाऊंगी। Dreams so much. सही थी ये मूवी, सच में बहुत ऑसम थी यार। मैंने कहा था तुमको मूवी बहुत ऑसम लगी थी यार। It's Lebanese point kebab. अरे चोपी है चल ना। यार खाती मुझे एक बात बतानी थी। हाँ बोलो। यार मेरा एक फ्रेंड है तो उसको ना एक इंजरी हो गया तो मुझे उसके यू नो थेरेपी के लिए जाना होगा। ओके। लाइक क्या मैं तुमसे बात बोल सकती हूँ? हाँ हाँ। क्या तुम ये काम छोड़ नहीं सकती? क्या थी तुम्हें पता है लाइक इट्स माय ब्रेड एंड बटर। मैं लाइक वो तो मैं छोड़ नहीं कह रही, मतलब कि तुम लाइक बड़े लेवल पे करो कि तुम अपने लिए लाइक लोग अपने नीचे लोग रखो और उनको मैनेज करो कुछ ऐसा। सोच सकते हैं पर अभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। एली मुझे तुमसे एक बात बोलनी है। हाँ हाँ। तो वो याद है कि मैंने सुबह तुमसे सपने वाली बात की थी? एक्चुअली सुबह मुझे अक्षय का सपना हुआ। रियली? क्या थी लोग तुम्हें बताए अक्षय इज योर पास्ट एंड आई एम योर प्रेजेंट और देर इज नो पॉइंट कि तुम उसके बारे में बार बार सोचो। आई नो एली बट सपने पे मेरा भी बस होना है यार, अब वो आ गया तो आ गया। ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगी इस चीज़ में पर ही इज़ योर पास्ट और जो चीज़ें अब नहीं एग्जिस्ट करती उसको मत सोचो क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई एम सॉरी। इट्स फाइन। अच्छा एली मैंने ये तुम्हारे लंच पैक कर दिया है ठीक है, यहाँ से बस में खा लेना और भूखी मत रहना। पक्का? मुझे मिस करना और अक्षय को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अक्षय का तो बीच में आ गया, वो तो सिर्फ एक सपना था अली। बस बता रही हूँ। ठीक है और हाँ यार तुम तो फोन मत लेना ठीक है? यार पक्का और अगर बाय चांस मैं बिजी हुई तो आई विल कॉल यू बैक फॉर श्योर। चलो ठीक है डन। बाय लव बेबी। विश यू हैप्पी जर्नी। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं। और आराम से पहुंच गई थी? हाँ यार आने में भी दिक्कत नहीं हुई।
ऑलरेडी जाना कुछ खाएगी ऑर्डर करो नहीं थोड़ी देर में लेती हूँ तू ना एक बट्टी गम खेला कर तेरी उम्र निकल चुकी है व्हाट डू यू मीन कम खेला कर तुझे पता है बड़ा मीन मैं गिर गया था तब लग गई थी मेरे ठीक है दिखा यहीं पे है यार बैठ के देख ले यहाँ पे पूरा एंकल थी स्वेलिंग पूरी जितना मैं सेंस कर पा रही हूँ लिगामेंट टियर की प्रॉब्लम है पता नहीं यार और यू नो माइनर से इंजरी है ज़्यादा कुछ नहीं है मैं से तो चला भी नहीं जा रहा था यार दो दिन पर अब पूरी स्वेलिंग है यहाँ पे ऐसा कर दिन में दो बार आइस पैक लगा और उससे काफ़ी यू नो रिलीफ मिलेगा सुबह या शाम दिन में दो बार ठीक है कब तक ठीक हो जाएगा वैसे ये डिपेंड्स ऑन यू एक्सरसाइज बताऊंगी तुम्हें कुछ एक्सरसाइज करना जैसे कि भेज दूंगी यार मैं तुझे वीडियोस वगैरह और मैं तो हूं ही यहां पे तेरी देखभाल के लिए बाकी मैं अपनी क्रीम लगा दूंगी जिससे तुझे इंस्टेंट यू नो आराम आ जाएगा बढ़िया मैं अपनी क्रीम दे दर्द ऐसे कम हो गया थोड़ा इतनी जल्दी तुम जो दबा रही हो सागर कौन का है यार वही है ड्रॉअर में एक बार देखो सागर ये वॉच भूल गई ये तो वही वॉच है जो तुमने मुझे लोहड़ी पे गिफ्ट की थी लोहड़ी पे नहीं रक्षाबंधन पे गिफ्ट करी थी एक्चुअली तुमने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी हाँ मुझे याद है पर ये तो खराब है तो भी संभाल के रखी है मैं तुम्हारे लिए जब भी मुझे तेरी याद आती मैं इसको देख लेता हूँ एनीवेज मैंने तुम्हारे लिए कमरा साफ कर दिया है बेड वेड लगा दिया तुम्हें अगर सोना है थोड़ा थक गई होगी ट्रैवल करके आ रही हो रेस्ट करना तो नहीं यार मैंने होटल बुक कर रखा है होटल क्यों प्राइवेसी के लिए तुम्हें भी मिलेगा मुझे भी तुम्हें किससे प्राइवेसी चाहिए नो इट्स जस्ट कि मैं कंफर्टेबल वहां पर रुकूंगी एनीवे जाओगी कैसे नीचे से ई रिक्शा ले लूंगी ई रिक्शा क्यों ई रिक्शा खुला होता है और यू नो हवा अच्छी आती है कैब बैक कर लो यार यार मैंने जहाँ वो टहल के वहाँ छोटी छोटी पतली पतली गली आऊँगी कैसे जाऊँगी मैं फिर पता नहीं वहाँ कैब जाएगी नहीं जाएगी यू नो तो थोड़ी देर आज यहीं रुक जाएगी भी तो तेरा घर है नहीं यार होटल की पेमेंट भी हो चुकी है और फिर मेरे दो तीन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स भी है एक्सरसाइज वगैरह करानी है ऑनलाइन वर्क सब तो यू यार यहाँ रुकती थोड़ा अच्छा लगता बट आगे तेरी मर्जी कोई नहीं नेक्स्ट टाइम डन Thank you.
कैसे? अरे वो एक्चुअली किसी काम से आया था, सोचा तुमसे मिलते चलूं। मुझसे? अंदर आओ। मैं तुम्हारे लिए पानी वानी। नहीं नहीं ठीक है बैठो तुम। क्यों? तुमने कहा था कि तुम किसी काम से आए हो पास में, क्या सही बताऊं तो मुझे तुमसे मिलना था। काम था मुझे, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना मिलना तुमसे इम्पोर्टेंट था। मुझसे? हाँ। मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? ख्याति, क्या हम दोबारा साथ नहीं रह सकते एक बार फिर से इन सारी बातों को भुला के? ये मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। देखो क्या थी, मैं सारा काम किस लिए कर रहा था? मैं अपने अकेले के लिए नहीं कर रहा था, मैं हम दोनों के लिए कर रहा था, ताकि हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हों। मुझे कुछ अकेले ये सब करके मज़ा नहीं आ रहा था। मैं जो भी कुछ कर रहा था हम दोनों के लिए कर रहा था। तो क्या तुम ये सब चीज़ें भुला के एक बार फिर से मेरे साथ नई शुरुआत नहीं कर सकती? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। कैसे खुश हो तुम? कौन खुश रखता है तुम्हें यहाँ पे? एली है मेरा ध्यान रखने के लिए और वो मेरे को बहुत खुश रखती है। यार ख्याति, तुमने इस लड़की के लिए मेरे को छोड़ा था? इस लड़की के लिए? क्या इस लड़की? लड़की के लिए? क्या इस लड़की? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है ना? प्लीज घर चलो यार, प्लीज उस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए। नहीं मैं नहीं सुन सकती। ख्याति अक्षय प्लीज, बहुत हो गया। ख्याति प्लीज। ख्याति नहीं अक्षय। ख्याति आई लव यू सो मच। अक्षय छोड़ो मुझे। ख्याति आई एम रियली सॉरी, प्लीज अक्षय छोड़ो। ख्याति सीरियसली बेबी, आई सीरियसली लव यू सो मच। मैं घर में वापस नहीं आऊंगी अक्षय। वो घर भी तो तुम्हारा ही है यार, और ये घर मेरा और एली का है। बे प्लीज, वो घर तुम्हारा, वो घर हमारा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई रियली लव यू बे। वो था, अब ये मेरा है और एली का है। एली I know that you also love me. I don't love you. No, you're lying. I know. You love me so much. No, I don't love you. No, babe, I know. No.
You love me, I know that. Akshay, I don't love you. You love me, babe, you love no. me, I know that. Akshay? Hmm? Akshay? Hmm? I don't love you. No, you love me. Akshay, please. No, I love you. Akshay, chodo mujhe. No, babe. अरे ये क्या कर दिया मैंने, कुछ मिनटों के मजे के लिए मैं ख्याति को धोखा नहीं दे सकती। Please understand, no? Please understand my feelings. Akshay, please. Kyati, क्या हुआ? ये गलत है। ये कुछ गलत नहीं है Kyati, हम अभी भी husband wife हैं, ये कुछ गलत नहीं है इसमें। नहीं ये गलत है। मैं एलवी धोखा नहीं दे सकती। ख्याति ये कुछ गलत नहीं है ख्याति, और मेरा क्या, तुम मुझे भी तो धोखा ही दे रही हो, क्या मेरा तुम पे कोई हक नहीं है? ख्याति सीरियसली यार, जितना भी ट्राई करो प्यार से बात करने के हमेशा ये हो ही जाता है। I can't be a bitch like this. कुछ ना कुछ करके सागर को ठस्सा दे देती हूँ। हाँ बेबी मैं पहुंच गया हूँ नीचे, जा जो तुमने लोकेशन दी मैं वहीं पर ही हूँ। तुम कहाँ पर हो? यहाँ पे प्राइड प्लाजा लिखा है बट मुझे कौन से फ्लोर पे आना है? जो तुमने लोकेशन दी है वहीं पहुँचा, नीचे ही हूँ एकदम। पार्क प्लाजा वो तो यहाँ से 1 घंटा दूर है यार। वैसे भी मेरे पैर में दर्द है, मेरे को नहीं लगता मैं आज आ पाऊँगा। फिर तुमने लोकेशन मुझे ये भेजी है, चलो फिर तुम्हें वैसे भी आना ही है कल, तो मैं फिर तुमसे कल ही मिल लेता हूँ। और कोई नहीं, कल मिलते हैं फिर, ठीक है? डन, बाय बाय। Kyati वॉशरूम का है? सही है। तो लाख हो पाते। इससे पहले उस हरामी का फोन आया मैं फोन ही स्विच ऑफ कर देती हूँ। Kyati का फोन? हाय Kyati। हेलो एली,
कैसी हो और कहाँ पर हो तुम? कुछ नहीं यार, मैं बस होटल में ही हूँ। तुम इतना लो साउंड क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें मिस कर रही हूँ थोड़ा। ओह माय बेबी, आई एम मिसिंग यू टू। तुम्हें पता ही है, लाइक आई एम सो फोकस्ड फॉर माय वर्क। तुम कब तक आ रही हो? प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज। अच्छा तुम टेंशन मत लो, डोंट वरी, मैं आती हूँ। मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आती हूँ तुम्हारे पास। पक्का नेक्स्ट फ्लाइट आए तुम? पक्का ना? हाँ मेरी जान, मैं आ रही हूँ, डोंट वरी। ठीक है, चलो आप जल्दी से खुश हो जाओ। ओके बाय लव। ओके बाय।